Now question second from exercise 13.3. Question is, पढ़िए. Metallic sphere of radii 6 cm, 8 cm, and 10 cm respectively are melted to form a single solid sphere. Find the radius of the resulting sphere. Start कीजिए. Volume of first three sphere equal to volume of big sphere. क्यों? चलिए इन तीनों को melt करके ये तीनों स्फीयर हैं, इनको मेल्ट करके ये बड़ा वाला स्फीयर बनाया गया है. इसकी रेडियस R1 एज्यूम किए हैं, R2, R3 और इसकी रेडियस कैपिटल R, ठीक है. R1 की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, R2 की 8 सेंटीमीटर और R3 की 10 सेंटीमीटर दी गई है और इसकी रेडियस फाइंड करनी है. तो चलिए अब इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहले फर्स्ट स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा? 4 बाई 3 पाई आर वन क्यूब प्लस 4 बाई 3 पाई आर 2 क्यूब. थोड़ा बड़ा लिखिए बेटा, 4 बाई 3 पाई आर 2 क्यूब प्लस बीच में से हटाओ, प्लस 4 बाई 3 पाई आर 3 क्यूब इक्वल टू 4 बाई 3 पाई कैपिटल R क्यूब. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा? यस सर. ठीक है, अब क्या करोगे? 4 बाई 3 पाई कॉमन लो, तीनों में है 4 बाई 3 पाई कॉमन लो, लिया है आप लोगों ने? हाँ. अब ब्रैकेट में हो जाएगा R1 क्यूब, पाई भी लिखिए 4 बाई 3 पाई, R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब इक्वल टू 4 बाई 3 पाई. बेटा पहले लिखो पाई आर क्यू. अभी आप कॉपी पे नहीं लिख रहे हो, व्हाइट बोर्ड पे लिख रहे हो, इसलिए थोड़ा बड़ा लिखा करो. 4 बाई 3 पाई कैंसिल करो दोनों साइड, ठीक है. अब R1 की वैल्यू रखो, पाई भी कैंसिल हो चुका है, अब R1 की वैल्यू आप लिखो 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब और प्लस 10 क्यूब इक्वल टू कैपिटल R क्यूब. अब कितना हो जाएगा? 6 का क्यूब बोलिए भाई, 216. 8 का क्यूब 512 प्लस 10 का क्यूब और इनका सम देखो क्या होगा, इनका सम 1728 लिखो इक्वल टू आर क्यूब, ठीक है. तो R की वैल्यू क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ दिस होगा या क्यूब में कर लो, 12 आ रहा है ना, इसको लिख सकते हो 12 का क्यूब इक्वल टू आर क्यूब. 12 क्यूब इक्वल टू आर क्यूब, इट मींस आर इक्वल टू 12 आपको मिल गया. तो जो बिग स्फीयर था या है उसका रेडियस कितना आएगा? 12 सेंटीमीटर, ठीक है. और इस तरह से इसका फाइनल आंसर हुआ, रिक्वायर्ड रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना, हो गया.